सध्या महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणींकरिता दरमहा अनुदान देऊन विविध योजनांमधून त्यांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न महायुती सरकार करत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवरात्रीच्या औचित्याने उल्हासनगरमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांनी आपल्या या लाडक्या बहिणींसाठी प्रीतिभोजनाचे आयोजन केले होते, ज्यात शहरभरातील शेकडो महिलांनी सहभाग नोंदवला. क्रमांक 19 और मंडल क्रमांक 5 सभी ने मिलकर यहाँ पे जिन लाडली बहन के खातों में लाडली बहन योजना देवाबाऊ लाडली बहन योजना की तरफ से जो सभी के अकाउंट में 4,500 आए उसके उनके साथ मिलकर हमने सोचा कि हम सब मिलकर एक स्नेह भोजन का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और मीनाताई और पूरा किशोर वनवारी जी और हमारे लक्की अपने हमारे बंटी कुर्सीजा जी और पूरे मंडल की टीम ने बड़ी मेहनत की और सभी महिलाओं को यहाँ पर निमंत्रण किया और इस निमंत्रण में हमारी महिलाओं ने हमें सम्मान दिया और हमारे साथ इस खुशी में शामिल हुए. भारतीय जनता पार्टी का यह लक्ष्य है कि सभी महिलाएं जो हैं, जो लाडकी बहनें हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके खाते में सतत ये 1500 रुपये आते रहें और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और इस राशि की बढ़ोतरी होगी. और हमें खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसी लाभार्थी ऐसे लोगों के लिए लाभार्थी बन रही है. महिलाओं को दिनचर्या के खर्चों में मदद मिलेगी, अपना आर्थिक अपने लिए कुछ छोटे मोटे चीज़ें खरीदने के लिए, उनको आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए ये पैसे हमेशा उनके लिए मददगार साबित होंगे. हमारे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे रविंद्र चौहान और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है. उनके मार्गदर्शन पर हम पूरे उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं.